SGTB students, I am Jaspreet from Shri Guru Tegh Bahadur School, NH9 Ring Road, Sirsa. Students, today we are going to start our spoken class. Our topic is how to introduce yourself. कि अगर आपसे कोई पूछ लेता है आप कौन हो, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कितने इयर्स ओल्ड हो, कहाँ रहते हो, तो आपको कैसे इंट्रोड्यूस करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपसे कोई आपका नेम पूछता है तो आप बताओगे आई एम, जैसे मैं जसप्रीत हूँ तो मैं बताऊँगी आई एम जसप्रीत. फिर आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, आई रीड इन सेकेंड क्लास. अगर थर्ड क्लास में हो तो आई रीड इन थर्ड क्लास. और आपसे पूछता है कि आप कितने साल के हो, आई एम 7 ईयर्स ओल्ड. अगर कोई 8 ईयर्स ओल्ड है तो आई एम 8 ईयर्स ओल्ड. ओके, आप कहाँ रहते हो, आई लिव इन फतेहाबाद, आई लिव इन सिरसा, आप डिंग रोड, जहाँ रहते हो आप अपना एड्रेस देंगे. ओके, फिर आप अपने मदर का नेम बताएंगे, माई मदर नेम इज, जो भी आपके मदर का नेम है आप बताएंगे. माय फादर नेम इज, अपने फादर का नेम बताएंगे. और आपको क्या पसंद है, जैसे आपको स्टडी करना पसंद है, सो आई लाइक टू स्टडी. या अगर आपको कोई गेम खेलना पसंद है, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, या कुछ भी आप राइट कर कह सकते हो. ओके, सो स्टूडेंट्स, आपको ये अपने नोटबुक पर भी राइट करके ट्राई करना है, ताकि आपको लर्न रही कि कैसे आप खुद को इंट्रोड्यूस करना है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू रीड एंड अंडरस्टैंड सम वोकैबुलरी वर्ड्स. सो द फर्स्ट वर्ड इज ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल वर्ड जो है वो गर्ल्स के लिए यूज किया जाता है, जैसे प्रिया इज वेरी ब्यूटीफुल. ओके, ऐसे ही आपको और सेंटेंसेस बनाने हैं, अपनी पीएनबी पर राइट करने हैं. ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज हैंडसम. हैंडसम वर्ड बॉयज के लिए यूज किया जाता है, लाइक ही इज वेरी हैंडसम. ओके, इससे रिलेटेड भी आपको सेंटेंस बनाना है आपकी नोटबुक के ऊपर. नेक्स्ट वर्ड इज एंजॉय. Enjoy means आनंद लेना. इसके ऊपर आपने सेंटेंस बनाना है, लाइक आई एंजॉय द पार्टी विद माई फ्रेंड्स. ऐसे ही आपको इसके ऊपर जितने भी सेंटेंस आपके माइंड में आए आपने बनाने हैं. नेक्स्ट वर्ड इज इम्प्रूव, लाइक आई रियली वॉन्ट टू इम्प्रूव माई हैंड राइटिंग. Improve means सुधारना. Improve means सुधारना, कि मैं अपनी handwriting सुधारना चाहता हूँ. तो ऐसे ही आपको कई आपकी कई ऐसी आदतें होंगी जो आप सुधारना चाहते हो, you want to improve that, so उस पर आप sentence बना सकते हो. Okay students, आप इन words को अपनी daily life में भी use कर सकते हो. जैसे आपने किसी को ब्यूटीफुल कहना है, हैंडसम कहना है, या आपने किसी जगह पर एंजॉय करना है, या कोई इम्प्रूवमेंट करनी है, तो आप ये वर्ड्स अपने डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हो. तो आप इसको अपनी नोटबुक पर नीट एंड क्लीन राइटिंग में करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स जैसे ही आपकी रीडिंग में, स्पोकन में इम्प्रूवमेंट होगी, वैसे ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप हेजिटेट नहीं होंगे और आपका लेवल जो होगा वो भी अप हो जाएगा.